ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 24 वर्षों बाद ओडिशा में सत्ता परिवर्तन करने वाली बीजेपी ने राज्य में मोहन चरण मांझी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री मोहन चरण मांझी ईश्वरक नाम शपथ करूछी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातरे बिना अनुराग बा देशरे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण मांझी ईश्वरक नाम शपथ करूछी जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मते ज्ञात हब ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही ओडिशा में भी बीजेपी ने एक सीएम और दो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू किया है। श्री रघुवर दास प्रभाती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव राज्य के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मु कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंकर नारे शपथ करूछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारत रो संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारत रो सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्य रो उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। 67 साल के कनक वर्धन सिंह देव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कनक वर्धन सिंह देव 6 बार विधायक के साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं। शपथ लेने वालों में प्रवती परिदा भी शामिल रहीं। ओडिशा में वो पार्टी का जाना पहचाना चेहरा हैं। श्रीमती प्रभाती परिदा ईश्वरक नाम शपथ करूछी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौम्यत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय करी। प्रवती परिदास संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं। वो ओडिशा में बीजेपी की महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। विधानसभा चुनाव में मोहन मांझी उत्तरी ओडिशा के क्योंझर विधानसभा क्षेत्र से बीजू जनता दल की प्रत्याशी मीना मांझी को 11,577 वोटों से हराकर चौथी बार विधायक चुने गए। ओडिशा की 147 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी को उसके 78 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। मोहन मांझी का राजनीतिक सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। मोहन मांझी ने 90 के दशक में सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1997 में वो सरपंच बने। साल 2000 में बीजेपी के टिकट पर क्योंझर से पहली बार विधायक चुने गए। 2004 में
वो दूसरी बार विधायक चुने गए। 2009 और 2014 में अगले दो विधानसभा चुनाव में हारने के बाद 2019 में तीसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए और बीजेपी विधायक दल के चीफ व्हिप बने। इस दौरान वो नवीन पटनायक की बीजेडी सरकार पर निशाना साधने में मुखर रहे। ओडिशा में आदिवासियों की संख्या करीब 23% है। मोहन मांझी के पक्ष में एक बात ये भी रही कि वो एक गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत और लगन से राजनीति में बढ़ते रहे हैं। उन्हें बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता और विवादों से परे नेता के रूप में जाना जाता है। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में पिछले 24 वर्षों से सत्ता पर काबिज रही नवीन पटनायक की बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल की है। 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं बीजेडी के खाते में महज 51 सीटें आईं। कांग्रेस ने 14 सीटें जीती जबकि सीपीएम ने 1 सीट जीती। निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटों पर जीत मिली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।